सर इस पे उधर काउंटर पे ड्रॉप कर देना। और देखिए शायद ये दिखा रही है टेंशन, ये पैर छुड़ाने की कोशिश, टेंशन टेंशन। और ये आवाज प्रेम होल्ड पॉइंट की जगह लुक से रोलिंग एंड रस्सी खींच। और देखिए बढ़ रही थी और ये केज गिरा। देखते रहिए चार्जर्स देने की सर। कैलेंडर चार्ज ले लीजिए सर, ट्रीटमेंट ले लीजिए। हाथ पकड़ना सर, हाथ का नहीं सब होल्ड पैन होल्ड हाथ से पैन फ्रेम पे देखते रहिए पैन लुक अपने कर्म का एक्शन। वन मोर एक्शन जी। लेकिन ये अपने कर्म का हाँ भाई देखिए। और ये गिरा कुछ अभी नहीं, रिएक्शन देखो। और ये चेन बोलो लगा लो एक्शन शॉ देखिए राइट चारों तरफ देखा ये चार्ज किसी को देखते रहे दूसरे से कहीं का क्योंकि अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि आज गिरा जीवन की आखिरी डांट है। लेकिन अगर इसको खत्म करने में क्या कहें, अब नागिन का खात्मा होने का वक्त आ गया है, यहाँ पर वो बचकर निकल जाएगी। जी जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ससुराल सिमर का है वो ससुराल सिमर का नहीं, ससुराल ट्विस्ट एंड टर्न्स का है एक्चुअली। तो जब ससुराल ट्विस्ट एंड टर्न्स का होता है तो वहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। एक्चुअली बहुत कोशिश की, एक वेल प्लान्ड पूरी एक जुगाड़ था मेरा और अमर के बीच में, पूरी प्लानिंग थी फुल प्रूफ कि हम लोग नागिन को किस तरीके से अपने परिवार से दूर रखेंगे, उसको किस तरीके से पकड़ेंगे, उसका खात्मा करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो गया है यहाँ पर जैसे कि वो नागिन फिर से बच के निकल। एग्जैक्टली एक्शन ड्रामा में इमोशनल ड्रामा घुस गया बिल्कुल। जी मैंने बगैर नहीं हो सकता था जी, क्योंकि मैंने जब सिमर से शादी की थी तो उसको साथ वचन दिए थे कि हर सिचुएशन में उनका साथ दूंगा, तो आज यहाँ पे भी साथ ही दे रहा हूँ। तो इस बार मतलब बच निकलेगी नागिन जी बिल्कुल, मतलब अफसोस है मुझे इस बात का बिल्कुल। लेकिन अभी आगे देखिए, आगे मैं बता नहीं सकता, दर्शकों को देखना पड़ेगा ससुराल सिमर का, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।